मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। मरकुस और उसका 12वां अध्याय है, उसके 18 पद से लेकर कुछ पदों को हम आज देखेंगे। प्रिय, यहाँ पर हम पुनरुत्थान और विवाह की बात को देखते हैं, जो यीशु मसीह के ने कुछ अर्थों को समझाया है, जो विरोधी लोगों ने उसे सवाल किया, क्योंकि वो उनका सवाल करने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि वो यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसा सके। और वो ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर आते थे जो हम सब के लिए बताना बड़ा मुश्किल था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र होने के कारण, खुद परमेश्वर होने के कारण से उन बातों का जवाब बाखूबी दे सका। और हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर सदुक्कियों ने, जो ये विश्वास करते हैं कि मरहों का जी उठना नहीं है, उनके पास आकर उससे पूछा है। सदुकी एक अलग गैंग है, सदुकी एक अलग ग्रुप है, अलग गिरोह है, जो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अलग लोग हैं, जो दूसरों से हटकर हैं, कि मरे हुए का जी उठना पर विश्वास नहीं करते हैं। जबकि प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि वहां पर यीशु मसीह जी उठा, और वो लोग, शास्त्री और फरीसी, फिर से उसके उन प्रेरितों का विरोध कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मरे हुए का संदेश सुना रहे हैं, और वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हो उठा उसका संदेश सुना रहे थे। तो ये ऐसे लोग हैं जो सदूकी एक ऐसा गिरोह है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये ऐसा ग्रुप है जो मरे हुए के जी उठने पर विश्वास नहीं करता है। इन्होंने यीशु से पूछा है, वो क्या पूछा है? हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी को अपना ले या उससे विवाह कर ले और उसके लिए संतान पैदा करे या उसके लिए वंश को उत्पन्न करे। इस प्रकार से उन्होंने ये उदाहरण दिया और कहा, 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। यीशु ने कहा, पहला भाई बिना संतान मर गया और उसका कोई संतान नहीं हुई, और उस पत्नी को दूसरे भाई ने ब्याह लिया और वो भी बिना संतान मर गया। फिर उसके बाद तीसरे भाई ने उसे ब्याह लिया, वो भी बिना संतान मर गया, और 7ों से संतान नहीं हुई और सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। ऐसा उन्होंने यीशु मसीह से कहा। अतः जी उठने पर वो किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7ों की पत्नी रह चुकी थी। ये बड़ा मुश्किल सवाल था और इसको समझना भी बड़ा मुश्किल था और कठिन था। और ऐसे ऐसे सवाल वो यीशु मसीह के पास हमेशा लेकर आते थे। जिस प्रकार से उसने कहा कि आपके कैसर को कर देना चाहिए, ये पहला उनके सवाल था इन्हीं लोगों का। लेकिन ये दूसरा गैंग था, दोबारा से फिर से यीशु मसीह से उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, दिल को हल्का करने के लिए यीशु मसीह से सवाल किया था कि 7 भाइयों की वो पत्नी रह चुकी थी, अब वो किसकी पत्नी होगी जी उठने पर, स्वर्ग में किसकी पत्नी होगी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो? ना पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, क्योंकि जब वह मरे हो में से जी उठेंगे तो वो ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान वो दिखाई देंगे, वो रहेंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ये कहना चाहते कि जब वो जी उठेंगे तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे, वो दोबारा से ब्याह शादियां नहीं करेंगे और उनकी इस तरीके से पहचान नहीं होगी कि वो उसकी पत्नी, वो उसका पति और ये सारे इसके पति। इस तरीके से कोई पहचान प्रभु वहां पर नहीं बता रहा है। और ये लोग छानबीन करते हुए, विरोध में कोई ना कोई बात ढूंढते हुए इस प्रकार से यीशु को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वो विवाह के लिए नहीं दिए जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे ये कह रहा है, तो इसलिए आगे वचन बता रहा है, 26 पद, मरे हो के जी उठने के विषय में क्या तुमने तुझे मूसा की पुस्तक में तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा को नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देते समय उसने इस प्रकार से कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर, आते तुम बड़ी भूल में पड़े हो। परमेश्वर खुद झाड़ी में से मूसा को उत्तर देता है और उसे कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। प्रियो, जब हम इस प्रकार की बातें अपने जीव में रखते हैं तो हम मरे हुए के समान बात करते हैं या मरे हुए के समान होते हैं। हमारी बातों का कोई आनंद नहीं होता, हमारी बातों में कोई भी दिलचस्पी लेने की बात नहीं होती। कई लोगों के पास सिर्फ सवाल है और सवाल करने वाले हमेशा बवाल करते हैं, और इनके जीवन में बवाल है और सवाल है, और ये यीशु के पास आकर
इस प्रकार से बात करते हैं, इन सवालों के साथ एक बड़ा बवाल करते हैं कि आप जी उठने पर वो किसकी पत्नी होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य में कुछ भी हो सकता है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। और वो तुम शास्त्र को समझो, शास्त्र पर विश्वास करो कि वो क्या कहता है। वो सांसारिक रीति से बात की गई थी, ये आत्मा की बात है कि स्वर्ग में हम एक स्वर्ग दूतों के समान परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग होंगे। हमारी इच्छाएं शादी के प्रति या विवाह के प्रति नहीं होंगी इस वक्त जब हम स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ संसार के लोग संसार की ही बातें करते हैं, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग की बात पृथ्वी पर जब लेकर आया तो उनकी समझ से बाहर थी वो बातें। स्वर्ग की बात पृथ्वी पर जब कोई करेगा तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का है, वो जीवित है आज भी, और आज भी वो पिता के पास है। और उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रभु में मर जाता है उसे हम कहते हैं वो सो जाता है, और सोने के बाद वो प्रभु के पास न्याय के दिन वहां दिखाई देगा और हम भी अपने न्याय के दिन उसे देखेंगे। प्रियो, पर हम उस तरीके से उनके साथ सोएंगे नहीं, उनके साथ रहेंगे नहीं, बस हम इकट्ठे मिलकर परमेश्वर की बड़ाई स्तुति आराधना करेंगे। जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि 24 प्राणी उठकर उसके सामने सजदा करते हैं, झुकते हैं और हमेशा तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं, करूब कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है। उसकी बड़ाई के अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं होगा। लेकिन ये लोग फंसाने के लिए, ये लोग जो मरे हुए के द्वारा जी उठने पर विश्वास नहीं करते, तो यीशु की बातों पर और यीशु जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा उसके बातों पर विश्वास कैसे करेंगे। प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाह के लिए अपनी जान दी क्रूस पर, और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आज वो जीवित है और हम मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के जो सदा जीवित है उसका प्रचार करते हैं, उसका संदेश आपके बीच में लेकर आते हैं। इसलिए उस संदेश के ऊपर विश्वास करें और मरने के बाद क्या होगा इस बात की चिंता न करें, जीवित रहते हुए जीवन के वचन पर विश्वास करें और जीवन की बातें दूसरों को भी बताएं और उस पर भरोसा रखें। और ये सवाल करने वाले बवाल करते हैं, इनसे दूर रहें, सवालों के पछाड़े में ना फंसें, बल्कि यीशु मसीह के नाम में उन सवालों से दूर रहते हुए परमेश्वर के साथ अपने जीवन बिताएं और वचन को जानकारी रखें और वचन को बांटें और प्रेम का संदेश दें। इसके अलावा सब कुछ बातें व्यर्थ होती हैं। जो सवाल करते हैं वो सवालों में ही रहकर बवाल करके फंस जाते हैं, मर जाते, खत्म हो जाते हैं, पर जो प्रेम का संदेश देते हैं वो यीशु को जीवित दिखाते हैं और यीशु का प्रेम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग भी यीशु को जान पाते हैं। तो प्रियो, इन वचनों को आपको समझना है कि हम सवाल के लिए नहीं, बवाल के लिए नहीं किया है। सवाल करने वाले बवाल पैदा करते हैं, इसलिए फिर से कह रहा हूं कि आप सवाल कर रहे हैं उसके बाद आप बवाल कर रहे हैं या आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपको सोचना है। यीशु की बातों पर विश्वास करें, इन वचनों पर विश्वास करें जो आपको वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं या आप जो बाइबल पढ़ते हैं। प्रियो, जिस भी आप चर्च में जाते हैं तो आपका पासवान जो भी आपको प्रचार करता है आप विश्वास कीजिए, वचन को आप भरोसा कीजिए, वचन परमेश्वर है, आदि में यही था और आदि के बाद भी यही परमेश्वर है और रहेगा। प्रभु आपको मोहताज से आशीषित करें और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय मसीह की।